Hey guys, what's up? Sab log kaise hain? How is everyone doing? How is the preparation coming along, guys? Kahan kahan se? If you can, guys, can tell me where all are you from? Kahan kahan se aap log belong karte hain? Hello Vanshika. Hello Divendra. Hello Lokesh. How are you all? Right. So myself, Venkatesh Chaturvedi, I am a verified educator on Unacademy. मैं पिछले तीन साल से Unacademy में पढ़ा रहा हूँ. I've crossed more than 2.8 million views on my 75 के करीब courses हो गए हैं. And I'm about to reach 1 lakh subscribers on the platform. Right. So I did my graduation from IIT Patna and Institute of Electrical Engineering and I've written my mains examination twice. Right. दो बार mains लिखा है 2016 और 2018 में. Okay, so can you guys just introduce yourself from which part of the country you guys are from? Kahan kahan se aap log belong karte hain? Hello, Dongare, Ajit, how are you? Alright, so let us begin, आपका डिस्कशन आज हम लोग का रहेगा ऑन दिस इज द सिक्स्थ सेशन द लास्ट सेशन ऑन द 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स टॉपिक फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2019. ओके, भदोही से श्रुति, पुणे महाराष्ट्र. ओके अजीत, वंशिका इज फ्रॉम जयपुर. ओके ग्रेट, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री यू गाइज आर फ्रॉम, इट्स गुड टू नो. अमेजिंग, ग्रेट टू हैव यू ऑल ऑन बोर्ड. राइट, बढ़िया. चलिए, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. वी हैव बीन डूइंग दिस यू नो सिंस अ फ्यू डेज. पांच क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूं मैं इसके ऊपर. टुडे इज द सिक्स्थ क्लास. बिफोर वी गेट इनटू दैट, आई जस्ट लाइक टू अनाउंस दैट Unacademy राइट हैड लॉन्च्ड इट्स प्लस पोर्शन, व्हिच इज द Unacademy प्लस, व्हिच इज द पेड सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज जिसपे ऑल द टॉप एजुकेटर्स, चाहे वो आपके मृणाल सर हों, राइट, then you have Jatin is there, Jatin पढ़ा रहे हैं, then श्रेया शर्मा पढ़ा रही हैं, आरती मिश्रा हैं, आरती अर्पिता शर्मा हैं, right, सुदर्शन गुर्जर, all of them are teaching on Unacademy Plus. मेरे भी दो courses चल रहे हैं अभी Unacademy Plus पे. एक course है 1000 most important topics for UPSC CSE Prelims 2019, right? So वो course अभी खत्म होने वाला है, it's about to end, last class बची है. But अगर आप register करते हो Unacademy Plus पे, you'll get access to the videos जो हो चुकी हैं. Okay, and एक नया course is getting launched from 2nd of May. 2nd of May से start हो रहा है, which is live quiz based current affairs. ठीक है, so अगर आप चाहते हैं इन courses को access करना, आप चाहते हैं इन सब से पढ़ना, so you can take up subscription for Unacademy. एंड उसमें आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं, विच इज माई नेम वेंकटेश चतुर्वेदी. सिंपल, ठीक है. ऑलराइट, ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन ऑन सम ऑफ द करंट अफेयर्स टॉपिक्स फ्रॉम द लास्ट वन ईयर, जो मुझे लगता है कि आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस टाइम अराउंड. सो एक कैंपेन लॉन्च किया है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने, विच इज बाय द नेम ऑफ सबकी योजना सबका विकास. ये 2 अक्टूबर को लॉन्च किया था, सबकी योजना सबके विकास. क्या है ये? इट विल इन्वॉल्व पीपल एट द ग्रास रूट्स राइट व्हाइल प्रिपेयरिंग द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा समथिंग नोन एज दी सोशल ऑडिटिंग. सुना आपने सोशल ऑडिटिंग? व्हाट इज सोशल ऑडिटिंग? हैव यू गाइस हर्ड ऑफ सोशल ऑडिटिंग? कौन सा स्टेट है, विच स्टेट हैड इन द रीसेंट टाइम्स पास्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट, स्टेट एक्ट ऑन सोशल ऑडिटिंग?
बताइए एनी आइडिया गाइस, सोशल ऑडिटिंग क्या है? ओके, सो बेसिकली सोशल ऑडिटिंग जैसे आपके सीएजी होता है वो ऑडिटिंग करते हैं प्रैक्टिसेस, सो दैट इज अ सेंट्रलाइज्ड टॉप डाउन अप्रोच ऑफ ऑडिटिंग. दिस सोशल ऑडिटिंग इज अ प्रोसेस इन विच द ग्रास रूट लेवल पे लोग मिलके जो भी गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं स्कीम्स हैं उनको ऑडिट करते हैं. सो दैट इज ऑडिटिंग में सोशली आप लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो. एंड मेघालय वॉज द राइट उनका एक्ट था फॉर सोशल ऑडिटिंग. ठीक है, सो नाउ इफ दिस इज कंसर्न्ड, सो आपका ग्राम पंचायत को उसी टाइप से इन्वॉल्व कर रहे हैं इन द डेवलपमेंट प्लान इटसेल्फ. सो प्लानिंग के रेस्पेक्ट में ही लोगों को यूज कर रहे हैं, नॉट ओनली इन द ऑडिटिंग बट ऑल्सो इन द प्लानिंग स्टेज. ठीक है, एंड दिस विल ऑल्सो इन्वॉल्व थरो ऑडिटिंग ऑफ द वर्क डन इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. सो देयरफॉर सबकी योजना सबका विकास विल हैव बोथ प्लानिंग प्लस ऑडिटिंग बाय द पीपल. ठीक है, सो ग्राम पंचायत विल हैव द हैव टू पब्लिकली डिस्प्ले ऑल द सोर्सेज ऑफ फंड allocated and how much they have spent annually along with the future development initiatives. Okay, so this is the concept. Now next is a bahut hi zyada important ek aapka treaty hai jisse US ne pehle aur fir aapke Russia ne withdraw kar liya, which is the very 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 interesting and famous INF treaty. Theek hai, ye aapke sign hui thi जब गॉर्बोशेव और रोनाल्ड रेगन हुआ करते थे यूएसएसआर और रशिया में, राइट, एंड रिन्यू हुई थी 1991 में जब रशिया बना आपके यूएसएसआर से ब्रेक करके. ठीक है, सो ये क्या है, व्हाट इज आईएनएफ? आईएनएफ का मतलब है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी. सो व्हाट डज दिस डू, बड़े इंपॉर्टेंट है इसके आपको निटी ग्रिटीज ढंग से पता होने चाहिए. सो एक कोल्ड वॉर के एरा के ट्रीटी है जैसे आपको मैंने बताया रोनाल्ड रेगन और गॉर्बोशेव के समय में, एंड 1987 में साइन किया गया था. ये प्रोहिबिट करता है दोनों कंट्रीज को, सो इट्स जस्ट अ बायलैटरल ट्रीटी. रिमेंबर दिस, आईएनएफ ट्रीटी इज जस्ट अ बायलैटरल ट्रीटी बिटवीन द यूएस एंड द यूएसएस आपका रशिया या यूएसएसआर. ठीक है, सो बायलैटरल ही है, इट्स नॉट अ मल्टीलैटरल या इसमें और सारी कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं है, इट इज जस्ट अ बायलैटरल ट्रीटी. ओके, सो वो क्या प्रोहिबिट करता है, इट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम पोजेसिंग प्रोड्यूसिंग और टेस्ट फ्लाइंग ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल्स. इसको ढंग से समझिएगा, ग्राउंड लॉन्च मिसाइल्स समझ लो, इट ओनली द ग्राउंड लॉन्च मिसाइल्स, नॉट द आपके एयर मिसाइल्स. ठीक है, ओके, सो एयर मिसाइल्स, एयर लॉन्च मिसाइल्स या सी लॉन्च मिसाइल्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होती. और इसमें रेंज जो दी गई है दैट इज फ्रॉम 500 किलोमीटर्स टू 5500 किलोमीटर, तभी इसको इंटरमीडिएट रेंज कहते हैं. 5500 किलोमीटर के बियॉन्ड आप उनको ICBMs कैटेगरी में आ जाता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह में आ जाता है. ठीक है, ओके, सो दिस ट्रीटी कवर्स ऑल द लैंड बेस्ड मिसाइल्स इंक्लूडिंग दोज कैरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड. सो बेसिकली चाहे वो क्रूज मिसाइल हो चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, ऑल आर कवर्ड अंडर दिस INF ट्रीटी, बट लैंड बेस्ड. ठीक है, बट इट डज नॉट कवर एयर लॉन्च्ड और सी लॉन्च्ड व्हीकल्स. इज दिस क्लियर? बताइए, इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? Alright, why US wants to withdraw? इसका रीजन ये है कि basically there have been tussles since along 2011 से tussle चल रही है, जब both of them are blaming each other, दोनों एक दूसरे को blame कर रहे हैं कि breach of the treaty हो रही है, right? And that is one of the reasons for US to withdraw. Okay, अब हम अगर देखें India-US relations, we had yesterday talked about India and US का 2+2 dialogue in which the Comcasa was signed. ठीक है ना, साइन किया गया था. अब इसमें एक बड़े इंटरेस्टिंग, दिस वॉज इंडिया यूएस का, आज हम लोग रशिया का करेंगे. ठीक है, सो रशिया, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुटिन ने इंडिया विजिट किया आपके 19th एनुअल बायलैटरल समिट के लिए न्यू दिल्ली में. ठीक है, एंड वी हैव सीन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज सिंस एजेस. जैसे आप देख सकते हो कि एक तरह से इंडिया और यूएस की, सॉरी इंडिया और रशिया की जो फ्रेंडशिप ट्रीटी है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज जिसने काफ़ी स्ट्रेंथ दी थी इंडिया को ड्यूरिंग दी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, है ना. वी ऑल्सो सी एनर्जी सेक्टर में रशिया हैज़ बीन इन्वॉल्व बाई बिल्डिंग द न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया, जैसे आपका है दी
कुंडकुलम रिएक्टर, ठीक है। स्पेस फील्ड में भी बहुत ज्यादा हम लोग के बीच में अच्छे रिलेशन रहे। जैसे अगर आप देखो, द फॉर्मर सोवियत यूनियन लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट टू सैटेलाइट्स आर्यभट्टा एंड भास्कर। तो आर्यभट्टा और भास्कर रशिया की हेल्प से हमने लॉन्च किया था, राइट। फिर अगर हम देखें, इट हैज यू नो ऑल्सो सपोर्टेड इंडिया ऑन कश्मीर, ठीक है, सपोर्टेड इंडिया ऑन कश्मीर। द टू हैव शेयर्ड द अपोजिशन टू तालिबान रूल इन अफगानिस्तान ऑल्सो। सो यहाँ पर भी एक तरह से कॉमनहुड है, ठीक है। रशिया हैज ऑल्सो सपोर्टेड इंडियाज बिड फॉर द परमानेंट सीट इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ऑल्सो इंडिया की मेंबरशिप बिकेम यू नो पॉसिबल बाय द रशियाज हेल्प इन द SCO और द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो सबसे रीसेंट डेवलपमेंट है, विच इज इंडिया को सप्लाई हो रहा है द S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया कुड हैव यू नो हैड सैंक्शंस अंडर द यू नो बाय द US, ठीक है। अब हम देखें व्हाट इज S-400, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके काटसा एक्ट के बावजूद हमको S-400 मिल रहा है, दिस इज अ मेजर ब्रेक थ्रू। व्हाट इज S-400? S-400 ट्रायम्फ इज यू नो इसको नाटो रिकॉग्नाइज करता है एज अ नेम ग्राउलर, ठीक है। डोंट वरी, आई जस्ट ज़ूम इन, ठीक है। सो यस, इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस ऑपरेशनली डिप्लॉयड मॉडर्न लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, ठीक है। सो आपका इट्स अ मोबाइल सिस्टम विच विल बेसिकली हेल्प अस इन एंगेजिंग ऑल टाइप्स ऑफ एरियल टारगेट्स सच एज UAVs, यानी ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, राइट। एंड लगभग इसका 400 किलोमीटर का रेंज है और 300 किलोमीटर की एल्टीट्यूड तक ये यू नो आपको रेंज प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो दिस इज योर यू नो S-400, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ सकता है इसके ऊपर। सो इट्स एन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ठीक है। अगला है आपका the index by the name of global competitive index. Global competitive index जो है वो रिलीज करता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स अंडर ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट 2018. Have you guys studied about this? Global competitive index के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? बताइए, नहीं सुना है? ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, राइट। सो द ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स इज व्हाट, राइट? इट इज रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, इसको रिलीज करता है। एंड इसमें इंडिया रिमेन द साउथ एशियाज मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। एंड इसकी रैंक 5 प्लेसेस से बड़ी थी। रैंकिंग इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो इज अबाउट कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीजेस द कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, नथिंग मोर देन दैट। इतना ही पता है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है, ओके, सो अगला कॉन्सेप्ट है आपका डेटा लोकलाइजेशन। डेटा लोकलाइजेशन इज द कॉन्सेप्ट जो बहुत न्यूज में आजकल है। क्यों बहुत न्यूज में है? एक तो आपका यू नो डेटा लोकलाइजेशन हैज बीन इन न्यूज बिकॉज ऑफ व्हाट, फर्स्ट द श्री कृष्णा कमिटी रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये, श्री कृष्णा कमिटी रिपोर्ट में भी डेटा लोकलाइजेशन का जिक्र है। सेकंड, जो अभी हम यहां देखने वाले हैं, आरबीआई डायरेक्टिव टू हू, आरबीआई डायरेक्टिव टू द पेमेंट बैंक्स, पेटीएम वगैरह को क्या बोला है उन्होंने? उन्होंने बोला है कि भैया आपके जो भी डोमेस्टिक पेमेंट कंपनीज है, हमारे डोमेस्टिक पेमेंट बैंक कंपनीज है, राइट, एंड ग्लोबल काउंटर पार्ट जो इंडिया में वर्क कर रहे हैं, दे हैव टू हैव डेटा लोकलाइजेशन, ठीक है। सो इसमें आप देख सकते हो Amazon, Paytm, WhatsApp, इन सबको यू नो डेडलाइन दी गई थी RBI के द्वारा कि आप 15 अक्टूबर तक डेटा लोकलाइजेशन को की पॉलिसी को यू नो माने और उसको उसके ऊपर कंप्लीटली फॉलो करें। क्या है कॉन्सेप्ट ये देखते हैं, डेटा लोकलाइजेशन होता क्या है। इट इज अ कॉन्सेप्ट दैट पर्सनल डेटा ऑफ अ कंट्रीज रेजिडेंट शुड बी प्रोसेस्ड and stored in that country itself.
मतलब क्या है कि भैया जो भी, जैसे मान लो आप व्हाट्सएप यूज करते हो, तो आपके जो भी यू नो आपके पेमेंट का पोर्शन जो होगा उसमें, अगर उसमें हम लोग डेटा लोकलाइजेशन का क्लॉज लगा रहे हैं, तो ऑल दीज ट्रांजेक्शन एंड एवरी डेटा रिगार्डिंग दैट, जैसे अगर आप पेटीएम में पेमेंट कर रहे हो, तो ऑल द डेटा रिगार्डिंग दी पेमेंट यूजिंग पेटीएम शुड बी देयर इन इंडिया इटसेल्फ. सो अ सर्वर शुड बी डेडिकेटेड यू नो बी स्टोरिंग इट इन इंडिया. इसमें ये बोला गया है कि भैया इसमें दो चीजें हैं, अगर इंडियन कंपनी है तो यहीं पर स्टोर करिए, बाहर की कंपनी है तो आपको क्या, अगर आप बाहर स्टोर भी कर रहे हो कुछ यू नो डेटा को, तो अ कॉपी शुड बी देयर इन इंडिया. ठीक है, सो इट इज दिस कॉन्सेप्ट. सो आरबीआई ने अर्ली अप्रैल में सर्कुलर लॉन्च किया था कि जो पेमेंट डेटा है उसको आप स्टोर करें इंडिया में ही बाय 15 अक्टूबर. ठीक है, एंड द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो आरबीआई के इस पर्टिकुलर यू नो स्टैंड को बैक कर रहे हैं बिकॉज ऑफ क्रॉस बॉर्डर प्रोब्स में डिफिकल्टी होने की वजह से. राइट, कुछ क्योंकि डेटा यहाँ अगर ज्यूरिसडिक्शनली ज्योग्राफिकली प्रेजेंट नहीं होता है, तो डेटा का को रिट्रीव करना, डेटा को यूटिलाइज करना यू नो फॉर प्रोबिंग एंड आपके यू नो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में काफ़ी दिक्कत होती है फिर. ठीक है, सो यू शुड बी अवेयर बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कैन कम, डेटा लोकलाइजेशन रेफर्स टू. ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डेटा लोकलाइजेशन. ठीक है, अगला है आपका रूरल हार्ट इन ग्राम स्कीम. ठीक है, ये क्या है? सो सेंटर ने आइडेंटिफाई किए लगभग 1800 रूरल हार्ट जिनका मॉडर्नाइजेशन होगा और डेवलपमेंट होगा इनके इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू एमजी नरेगा. सो महात्मा गांधी आपकी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है उसके तहत, एक सेकेंड, हाँ उसके तहत लगभग 1800 रूरल हार्ट में मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट होने वाला है. राइट, अंडर कौन सा प्रोग्राम? ग्राम्स प्रोग्राम, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये. ठीक है, ठीक है, दी ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट, ग्राम्स प्रोग्राम इज ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट. ओके श्रुति, आपने सवाल पूछा डेटा लोकलाइजेशन क्यों हो रहा है. सी, डेटा लोकलाइजेशन इसलिए हो रहा है कि भैया आपके जो भी यू नो डेटा अगर इंडिया में स्टोर होता है, तो इन्वेस्टिगेशन में हमको कहीं और किसी दूसरी कंट्रीज के मोहताज नहीं होंगे. हमें किसी दूसरी कंट्री से डेटा वेटा रिट्रीव करने के लिए, और यू नो कोई टेरर फाइनेंसिंग वगैरह कोई कर रहा हो फॉर एग्जाम्पल, तो उस सबको करने के लिए हमको कहीं और जगह जाना नहीं पड़ेगा. वील हैव द कंट्रोल ऑन आर सेल्फ. इसलिए हम लोग ज़्यादा यू नो कोशिश कर रहे हैं कि डेटा लोकलाइजेशन फॉलो हो. ठीक है, अब अगर हम इस स्कीम को आगे बढ़ाते हैं, जो आपकी ग्राम स्कीम है, जो ग्राम स्कीम है, अगर आप देखें ग्राम स्कीम अनाउंस किया गया था 2018-19 के बजट में. क्या है ग्राम्स? मैं इसको जस्ट जूम इन करता हूँ. हाँ देखिए, ये क्या चाहते हैं, ये अपग्रेड करना चाहते हैं और डेवलप करना चाहते हैं जो भी एग्जिस्टिंग 22,000 रूरल हार्ट हैं, रूरल हार्ट जो होते हैं उनको इंटू ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट, जिसका इंटीग्रेशन होगा, जिसका इंटीग्रेशन होगा विद दी दी नेशनल आपका जो क्या कहते हैं ईनाम. राइट, ईनाम है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट. राइट, तो ग्राम्स जो हैं, जो आपके ये बना रहे हैं हम लोग ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट, दे वुड बी लिंक्ड विद द ईनाम, ताकि द फार्मर्स कैन गेट एक्सेस टू ट्रेड एंड टू सेल द प्रोड्यूस एनीवेयर इन द कंट्री यूजिंग नॉट ओनली एपीएमसीज बट ऑल्सो योर यू नो ग्राम्स. ओके, एंड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण था कि जो ग्राम्स हैं, यानी कि आपकी ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट, ये एपीएमसी एक्ट के रेगुलेशन से बाहर है. ठीक है, राइट, अपूर्वा ई नाम है आपका इलेक्ट्रॉनिक नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट. बेसिकली यू नो हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया लाया था कि भैया अभी तक क्या होता था दैट जो भी एपीएमसीज हैं, मतलब आपकी लोकल मंडी है, एक फार्मर वहीं पर अपना प्रोड्यूस सेल कर सकता था, रिस्ट्रिक्शन था, आप अपने लोकल मंडी पर जाओ वहीं पर बेच सकते हो. ठीक है, अब लेकिन उसमें बड़ी दिक्कतें थी, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट काफी दिक्कतें थी इन टर्म्स ऑफ कार्टेलाइजेशन भी था फिर वहां पर यू नो आपका. हाँ ठीक है, एंड देन इनाम को के अंदर क्या होगा कि बेसिकली नाउ फार्मर कैन सेल, जैसे अगर कहीं पर मान लो पंजाब में कुछ उगाया है तो हो सकता है कि दिल्ली दिल्ली में भी उसको बेच सकते हैं. सो इट्स लाइक अ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, पूरा एक नेशन एक एग्रीकल्चर मार्केट होगा, जहां पर बेस्ट प्राइस मिलेगा वहां पर बेच सकते हैं, इससे प्राइस डिस्कवरेबिलिटी बेटर होगी. नहीं तो मान लो लोकल मार्केट में किसी पर्टिकुलर यू नो क्रॉप की प्रोड्यूस एकदम से बम्पर प्रोड्यूस हो गई, तो वो तो कोई खरीदने को होगा ही नहीं, तो प्राइस एकदम घट जाएगा.
अगर मान लो कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कमी है, जहां पर कमी है वहां पर बेच दिया, राइट। सो ये चीज को रियलाइज करने के लिए ई नाम लॉन्च किया गया था एंड ये आपके ग्राम्स को भी उससे इंटीग्रेट करने वाला है, ठीक है। ओके सो इसमें आप देख सकते हो कि अपग्रेड करेंगे, डेवलप करेंगे एग्रीकल्चर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द ग्राम्स, ठीक है। फर्दर अगर आप देखें सो जो डबलिंग फार्मर इनकम है इसके उद्देश्य से आपके ग्राम स्कीम भी लॉन्च की गई है, ठीक है। और इस ये आपकी अशोक दलवाई रिपोर्ट थी, बड़ी इंपॉर्टेंट, ये नाम आपको बताना चाहिए, ठीक है। आपका अशोक दलवाई जो कमिटी है इसके बारे में आपको ढंग से पता होना चाहिए, ठीक है ना। ओके अब हम आते हैं टू द नेक्स्ट विच इज द यूरेशियन ऑटर। यूरेशियन ऑटर में अगर आप देखिए द साइंटिस्ट जो है उन्होंने कंफर्म किया प्रेजेंस ऑफ यूरेशियन ऑटर इन द वेस्टर्न घाट, ठीक है। और ये यूरेशियन ऑटर का प्रेजेंस तो ठीक है बट पता होना चाहिए आपको इनके बारे में कि अच्छा इनका IUCN स्टेटस क्या है। तो लार्जली तीन टाइप के ऑटर भारत में पाए जाते हैं, एक है आपका यूरेशियन ऑटर, राइट, एक है आपका स्मूथ कोटेड ऑटर, एक है आपका स्मॉल क्लॉड ऑटर, ठीक है। ये पहली बात कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं और 13 स्पीशीज हैं ऑटर्स की दुनिया में जिसमें से 3 इंडिया में है, जिसमें अगर IUCN स्टेटस देखें तो यूरेशियन ऑटर है नियर थ्रेटेंड, स्मूथ क्लॉड ऑटर एंड स्मॉल क्लॉड ऑटर दोनों वल्नरेबल है, तो NT एंड VV, ये ठीक है। नेक्स्ट अगला है आपका एक ग्रासलैंड विच इज दी बन्नी ग्रासलैंड, राइट। ये बहुत न्यूज में आता बिकॉज ऑफ द मालधारी ट्राइब। सो एक नोमैडिक ट्राइब है आपके गुजरात में जिनको कहते हैं मालधारी, ठीक है, एंड दे आर लीविंग देयर विलेजेस इन बन्नी रीजन ड्यू टू वाटर स्कैर्सिटी। तो वाटर स्केर्सिटी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे आपके जो बनिनी रीजन है इसको लीव कर रहे हैं। सो देयरफॉर दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, मालधारी ट्राइब भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में एज वेल एज बन्नी ग्रासलैंड भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये रन ऑफ कच्छ जो है गुजरात के एरिया में उसके पास में ग्रासलैंड है बन्नी ग्रासलैंड एंड लार्जेस्ट नेचुरल ग्रासलैंड है आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन में जहां पर काफी सेमी ड्रॉट कंडीशन टाइप की सिचुएशन रहती है, ठीक है। I'll just zoom in. Yeah. जो बन्नी ग्रासलैंड है रन ऑफ कच्छ के पास में यहाँ पे लार्जेस्ट नेचुरल ग्रासलैंड है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इस पे भी सवाल पूछ सकते हैं सीधे सीधे एट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नेचुरल ग्रासलैंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। सो आंसर इज द बन्नी ग्रासलैंड इन गुजरात, ठीक है। माइग्रेटरी पास्टोरलिज्म बहुत फॉलो होता है यहाँ पे सेंचुरी से विद ब्रॉड ज्योग्राफिकल लैंडस्केप, ठीक है, एंड 22 एथनिक कम्युनिटीज हैं जिनको आपके मालधारी पास्टोरलिस्ट कहते हैं जो यहीं पर रहते हैं, एंड ये आपका बेस्ट एरिया यू नो आइडेंटिफाई किया गया था फॉर द री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। लेकिन मैं आपका क्वेश्चन बट कि कौन सा लेकिन ऐसी जगह है जहाँ पे अभी रिसेंटली चीता रीइंट्रोड्यूस करने की बात फाइनल हो ही गई है। दो तीन जगहों को माना गया था एज अ गुड प्लेस, वन वाज दिस आल्सो, बट फाइनली अभी द फर्स्ट वन वेयर द चीतास आर सपोज टू बी रीइंट्रोड्यूस्ड इज विच प्लेस, ये हमने कल ही पढ़ा था, यस्टरडे इटसेल्फ वी हैव स्टडीड अबाउट दिस। यस नौरा देही इन मध्य प्रदेश, एग्जैक्टली, ठीक है, बिल्कुल सही है रविंद्र, नौरा देही इन मध्य प्रदेश इज द प्लेस वेयर द चीता रीइंट्रोडक्शन इज बीइंग डन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टू द ग्लोबल सॉइल बायोडाइवर्सिटी एटलस। अच्छा आप नहीं पढ़े थे, कोई दिक्कत नहीं, सो नौरा देही में है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, ओके सो और श्रुति कोई दिक्कत नहीं है, आप कल इसके बाद आप कल का चाहो अगर टाइम मिले आपको तो वीडियो देख लेना, कुछ कल भी हम लोग ने चीज़ें पढ़ी थी इसमें सेम टाइम 9 बजे का ही सेशन था, आप उसको एक बार जाके देख सकते हो चाहो, ठीक है ना। अब हम आए ग्लोबल सॉइल बायोडाइवर्सिटी एटलस को लेकर। तो ग्लोबल सॉइल
बायोडाइवर्सिटी एटलस ने इंडिया को प्लेस किया था ऐसी जगह जो जिसकी सॉइल बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा रिस्क में है. सो वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क इज देयर ऑफ द सॉइल बायोडाइवर्सिटी. क्या है ये आपका यू नो ग्लोबल सॉइल बायोडाइवर्सिटी एटलस? ये एक जॉइंट वेंचर, इट्स अ जॉइंट वेंचर ऑफ ग्लोबल सॉइल बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव एंड द यूरोपियन कमीशन जॉइंट रिसर्च सेंटर. हेलो पोगो, हाउ आर यू? पोगो बाबू यूपीएससी एस्पिरेंट, कैसे हैं आप? थोड़ा लेट आए, वी हैव यू नो हैड नियरली हाफ द डिस्कशन ऑलरेडी. ओके, सो इसकी फाइंडिंग्स वर पब्लिश एज पार्ट ऑफ द लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट विच इज रिलीज्ड every 2 years by the WWF. You know, this could in itself be a standalone question, that living planet report, planet report released is released by which of the following ABCD. ठीक है ना? अरे अब अगला है आपका, इंडिया ने for the first time the meteorological department IMD has provided a country-wide soil moisture forecast. Okay, so it is a joint exercise of IIT Gandhinagar and your IMD or the Indian Meteorological Department. जो क्या provide करने वाले, it is gonna provide a forecast of at 7 and 30 days lead time of the soil moisture. Yes, अगले 7 दिन में कैसा soil moisture का forecast है, 30 days में कैसा soil का मॉइस्चर होगा. दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर दी फार्मर्स. ठीक है, जिसमें आप समझ सकते हो कि फार्मर्स का नेक्स्टली एस्टिमेट कि भैया कि हमारी कितना इरिगेशन की जरूरत है, राइट? इट विल प्रोवाइड कि मॉनसून सीजन कितना होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा. सो इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द मॉनसून सीजन, सजेस्टिंग द डेफिसिट सॉइल मॉइस्चर कंडीशंस आर लाइकली इन दीज एरियाज, जिसे आप जानते हैं हम लोग. ठीक है, एंड ऑल्सो इंडिकेट्स दैट द सॉइल मॉइस्चर कंडीशंस are likely to be normal or surplus at some of the regions such as Uttar Pradesh, Bundelkhand, Chhattisgarh of the Rabi sowing season. Okay, so at the end of the day, it's gonna be something which is gonna be helpful for the farmers. Farmers ko bhi help karne wala hai in terms of providing the knowledge about the soil moisture forecast. Ab research related those schemes hain which can be directly asked by the UPSC prelims mein, right? Seedhe se sawal aa sakta hai ki bhaiya impress refers to. Some of you might have already come across such a question in in various test series, na? So research related ye don schemes hai, impress aur spark. Impress ka full form kya hai, dekho isme ss dekho aap. Okay, ss which is the impactful policy research in social science. Okay, impactful policy research in social science. Apurva, मेरा एक लाइव सेशन हो चुका है अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पे लास्ट मंथ, राइट? जिसमें मैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस करके टाइटल करके हैं, सो देयर वाज सिक्स ऑफ देम, उसमें से एक नहीं इनफैक्ट दो हैं व्हिच आर डीलिंग विद दिस ओनली द इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट. सो प्लीज आप उनको देख लेना, यू विल गेट दी गेट इट. सो बेसिकली अंदरा भी आपके सॉइल मॉइस्चर, भी अगर सॉइल मॉइस्चर कम है, राइट, विच मीन्स बेसिकली दैट इरिगेशन वुड बी रिक्वायर्ड मोर फॉर सर्टेन काइंड ऑफ प्लांट्स. देयरफॉर इट बेसिकली गिव्स एन एस्टिमेट कि भैया ऐसा तो नहीं कि सॉइल में पानी कमी हो, कहीं ऐसा तो नहीं सॉइल में पानी ज़्यादा हो, राइट? एंड सो दैट द फार्मर्स कैन देन एस्टिमेट कि भैया कहीं पानी और डालना है कि पानी कम डालना है, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी मोर सॉइल मॉइस्चर. ठीक है ना? सो दैट इज देयर. ओके, सो इम्प्रेस स्कीम जो है, दैट इज द इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंस. इट इज टू आइडेंटिफाई एंड फंड रिसर्च प्रपोजल्स इन सोशल साइंस. ओके, यस, वो सारी इंपॉर्टेंट है पूरा, बिल्कुल वो बिल्कुल सिंगल आउट करके वही लाए गए थे विच आर इम्पॉर्टेंट. सो इन सोशल साइंस विद द मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस एंड सोसाइटी. सो जो गवर्नेंस और सोसाइटी में सोशल साइंसेज के प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं, मैक्सिमम इम्पैक्ट लगा सकते हैं, उनके ऊपर रिसर्च प्रमोट करेंगे ये इम्प्रेस स्कीम. इट विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द सोशल साइंस रिसर्चर्स. जो भी सोशल साइंस में रिसर्चर्स होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में हो सकते हैं, कंट्री में, ऑल ओवर, इंक्लूडिंग ऑल द यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हों, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हों, राइट, ऑल ऑफ देम वुड बी कवर्ड. कहीं पर भी हैं, दे कैन अवेल दिस पर्टिकुलर स्कीम.
इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज की है ICSSR विच इज इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ठीक है ना, आपका इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च है, जैसे ICAR सुना होगा आपने, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, वैसी ICSSR है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। दूसरी स्कीम है आपकी स्पार्क, इसका मतलब है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, इसमें तो नाम में समझ में आ सकता है आपको, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, सो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज को ये लोग टैप इन करने की कोशिश करेंगे, सो इट इज गोना बूस्ट जॉइंट रिसर्च विद ग्लोबल यूनिवर्सिटीज फ्रॉम 28 कंट्रीज, सो दैट इंटरनेशनल जो एक्सपर्टीज है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कोलैबोरेशन के थ्रू आपके, ताकि यू नो इंडियन स्टूडेंट्स ट्रेन कर सकें, कोलैबोरेट कर सकें विद बेस्ट लेबोरेटरीज, बेस्ट यूनिवर्सिटीज आउटसाइड द कंट्री, ठीक है, तो बाहर, और इससे हमारा क्या फायदा होगा, हमारे जो इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं, IITs वगैरह फॉर एग्जांपल हैं, उनकी भी रैंकिंग बढ़ेगी इंटरनेशनली। इसलिए आपका देखो, अगर इंप्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी है दी IIT खड़गपुर, जो होगी नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट, तो IIT खड़गपुर वुड बी दी नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडेक्स, हमने कल पढ़ा था ग्लोबल न्यूट्रिशन इंडेक्स, ठीक है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये याद रखिएगा। हु हैज रिलीज्ड दी, बिल्कुल बिल्कुल श्रुति, ये SSC में पूछे जा सकते हैं, जहां पे भी करंट अफेयर्स हैं दे कैन बी आस्क्ड, बिल्कुल 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 100% राइट, किस टाइप के व्यू पॉइंट की बात कर रहे हो पोगो, व्यू पॉइंट के क्वेश्चंस कभी नहीं आते UPSC में, ठीक है, सो दे आर, मतलब व्यू पॉइंट नहीं होते, दे आर मोर इंटरप्रिटेशन बेस्ड एंड मोर यू नो, बट उसमें कोई व्यू पॉइंट नहीं होता है सच, व्यू पॉइंट आपका ये नहीं हो सकता कि आपका आंसर अलग होगा दूसरे का आंसर अलग होगा, आंसर एंड में सेम ही होगा, व्यू पॉइंट क्वेश्चन आर मोस्टली इन मेंस, ठीक है। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2018 में हम लोग देखें, सो इंडिया वॉज रैंक्ड एट 103 आउट ऑफ 119। Who has released the hunger index? Any idea? ये global hunger index कौन release करता है? Who releases it? नहीं, it's not IFPRI. That's what I'm saying. IFPRI पिछले साल तक release करता था. यही सबसे interesting चीज़ है. ठीक है, it's not IFPRI. ठीक है ना? International Food Policy Research Institute पिछले साल तक था. ठीक है, इस साल आपको कौन रिलीज कर रहा है, दैट इज वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड, रिमेंबर दिस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, लास्ट ईयर तक IFPRI वाज इन्वॉल्वड, दिस टाइम IFPRI वाज नॉट इन्वॉल्वड, सो वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड हैव रिलीज्ड इट, ठीक है ना, सो रिमेंबर इट्स नॉट IFPRI एनी मोर, IFPRI यूज्ड टू बी देयर बिफोर, इट्स नाउ वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है। अगला वी आर गोना यू नो डील विद अ फेस्टिवल जिसको कहते हैं बटू कामार फेस्टिवल, सुना है आप लोगों ने बटू कामार फेस्टिवल, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, कैन यू इमेजिन, फॉर द फर्स्ट टाइम एवर शिवम, सी द थिंग इज दीज स्लाइड्स आर यू नो आई एम ओनली एबल टू प्रोवाइड देम बिकॉज दीज आर यूट्यूब में, राइट, यूट्यूब के उसमें है, सो आई वोंट बी एबल टू प्रोवाइड, अनअकैडमी प्लस पे जो कोर्सेज होते हैं देयर वी आर एबल टू प्रोवाइड दी दी प्रेजेंटेशन, ठीक है। ओके, सो वी आर डीलिंग विद द बटू कामा फेस्टिवल, क्या था, देखिए फर्स्ट टाइम एवर न्यू साउथ वेल्स का पार्लियामेंट सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में सेलिब्रेटेड द एथनिक फेस्टिवल ऑफ बटुकामा, कैन यू इमेजिन ऑस्ट्रेलिया में बटुकामा फेस्टिवल हो रहा है, विच इज एक्चुअली अ फेस्टिवल फ्रॉम योर तेलंगाना रीजन, ठीक है, तो पोचमपली हैंडलूम वीवर्स ऑल्सो गॉट अ चांस हेयर टू प्रमोट देयर साड़ीज इन दिस सेलिब्रेशन, राइट, सो पोचमपली इकार्ड साड़ीज आपको पता होना चाहिए, हैव GI टैग टू देयर नेम, GI इज द ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग,
एंड बटू कामा क्या है, इट इज द मदर गॉडेस यू नो कम अलाइव, इसका लिटरल मीनिंग है. एंड इट इज अ कलरफुल फ्लोरल फेस्टिवल, फूल वगैरह काफी सजाते हैं इसमें, वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना रीजन का, ठीक है. एंड जो मॉनसून के एंड के समय सेलिब्रेट होता है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ मॉनसून इट इज सेलिब्रेटेड. तो ये लास्ट ईयर न्यू साउथ वेल्स पार्लियामेंट इन सिडनी फॉर द फर्स्ट टाइम सेलिब्रेटेड दिस एथनिक फेस्टिवल फ्रॉम तेलंगाना, कैन यू इमेजिन. एंड पोचमपल्ली हैंडलूम वीवर्स पता होना चाहिए आपको, हैज अ जीआई टैग टू इट. ओके, अगला है CSIR has you know developed green firecrackers, ठीक है. सो बिकॉज देर हैव बीन ये फेस्टिवल का नाम है, मैं आपको बताया ना फेस्टिवल का नाम है. ओके, सो दी फायर क्रैकर्स डेवलप हुए हैं बाय CSIR विच आर ग्रीन फायर क्रैकर्स एंड दीज वुड बी लेस पोल्यूटिंग बिकॉज देर हैव बीन ड्राइव टूवर्ड्स यू नो लेस पोल्यूटिंग दिवालीज ओवर द टाइम ओवर द ईयर्स. तो उसके रेस्पेक्ट में CSIR के साइंटिस्ट ने डेवलप किए हैं इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फायर क्रैकर्स जो 15-20% चीपर भी है कन्वेंशनल वन से. तो आप सोचिए, इट्स नॉट ओनली यू नो इको फ्रेंडली, इट इज ऑल्सो चीपर. इनका नाम देखो क्या है, सेव वाटर रिलीजर और स्वास, सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम सफल एंड सेफ थर्मल क्रैकर और स्टार. तो सवाल आ सकता है आपके ऊपर कि स्वास, सफल एंड स्टार आर विच आर द फॉलोइंग. एंड ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे सकते हैं दैट दीज आर मिल्क कोऑपरेटिव्स, राइट. सफल से आप कंफ्यूज हो सकते हो, दीज आर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना. इस टाइप से कुछ कुछ करके आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, है ना. सो स्वास इज एंड सफल एंड योर स्टार आर ऑल CSIR scientists developed fire crackers, green crackers. And they are, you know, it's very interesting that they are having the sound decibel very similar to the normal crackers. So noise pollution to nahi kam hoga, parantu aapke emissions kaafi kam honge, which is pretty good. Kaafi achhi baat hogi. हाँ, तो पोगो बेसिकली ये सवाल में कोई ओपिनियन थोड़ी ना, ये तो फैक्ट है ना, दीज आर फैक्ट. तो फैक्ट है कैपिटल इन्फ्यूजन बढ़ेगा तो बढ़ेगा बिल्कुल. हाँ, तो इसको आप, इसको तो पढ़ना है, दिस कम्स फ्रॉम स्टडिंग ओनली, इसमें तो आप क्या करोगे, दिस कम्स फ्रॉम स्टडिंग, नहीं सब तो न्यूज आर्टिकल्स पढ़ते रहते हो तो आता रहता है आपके दिमाग में. तो न्यूज आर्टिकल्स पढ़ते रहिए, न्यूज आर्टिकल्स में आते हैं सब चीजें, ठीक है ना. फायर क्रैकर डेवलप्ड बाय CSIR, अच्छा ये तो हो चुका है, सॉरी. देन नेक्स्ट है आपका आर्मी वर्म पेस्ट इन इंडिया, ठीक है ना. क्या है बेसिकली, एक है आपका फॉल आर्मी वर्म जो रिपोर्ट हुई है फ्रॉम द मेज फील्ड्स इन कर्नाटका एंड ऑल्सो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात वगैरह में. तो बेसिकली दो चीजें पता होनी चाहिए आपको, इट हैज बीन रिसेंट मोर रिसेंटली इन न्यूज ऑल्सो बिकॉज ऑफ इट्स इम्पैक्ट इन श्रीलंका, श्रीलंका में भी इसका इम्पैक्ट हुआ था. आर्मी वर्म से आपको पता होना चाहिए, इट इज अ पेस्ट विच इज इन मेज, मेज के ऊपर लगता है, बस इतना याद रखना आपको. इट इज अ पेस्ट, आर्मी वर्म इज अ पेस्ट जो मेज पे लगता है. सिंपल सवाल अगर आएगा तो ऐसे ही आएगा, आर्मी वर्म इज अ पेस्ट विच इज विच इन्फेक्ट्स विच आर द फॉलोइंग द मोस्ट, दे देंगे वो मेज, राइस, वीट, नन ऑफ द अबव, इस टाइप के स्टेटमेंट दे देंगे. इट इज मेज फील्ड्स विच आर इम्पैक्टेड हेविली बाय द यू नो आर्मी वर्म पेस्ट इन इंडिया, ठीक है. अगला है आपका सिंपल सा है, वन लाइनर क्वेश्चन आ सकते हैं. जापान ने लॉन्च किया है आपका ग्रीन हाउस गैस ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इबुकी, इबुकी है इसका नाम, ठीक है ना, इबुकी 2 विच इज रिलेटेड टू, बस आपको ये पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री, तो इट इज जापान. वो तो मुश्किल नहीं बिकॉज इबुकी नाम से आप जापान समझ सकते हो, बट वॉट इज जो कन्फ्यूज कर सकते हैं दैट इज कि भैया ये ग्रीन हाउस गैस गैस एमिशंस को यू नो खत्म करता है. ओके, सो दैट इज देयर राइट, इबुकी. तो इसको याद करने तरीका आप बना सकते हो क्या, ऐसे इबुकी बार ग्रीन हाउस गैस पर वार, ठीक है. इबुकी बार ग्रीन हाउस गैस पर वार, ठीक है. जो पिछले साल पिछले इलेक्शंस का नारा था उससे आप याद कर सकते हो, इबुकी बार ग्रीन हाउस गैस पर वार, ठीक है. तो इससे आपको याद रहेगा कि इबुकी जो है दैट इज जापान का ग्रीन हाउस गैस ऑब्जर्व
equation satellite. Okay, so these are some of the things which I wanted to discuss. And yeah, so you know, we have a little bit of time. We have around 10 minutes more. So if you guys have any queries and questions, do let me know. Right, agar koi questions, queries hai aapke, please bataiye mere ko. I'll be more than happy to help you out. Kuch queries, kuch questions general, and in general agar bhi kuch ho, so you can, you know, refer to that. Preparation strategy, because this is the last you know, YouTube session I'm taking for a while. I will not be taking a YouTube session you know, for the next couple of months or so. So abhi main you know, nahi le raha hu uske baad. So if you guys have any queries, any questions, please you know, shoot, so that you know, main aapki help kar sakta hu us respect. इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स पंकज, बेसिकली मेरा जो कोर्स था 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स राइट फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स. ओके, 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स. उसके अंदर अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड यू नो, उसके अंदर आई हैव टेकन फोर क्लासेस, 3 to 4 क्लासेस विच आर बेसिकली क्रैश कोर्सेज ओनली, क्रैश कोर्स ऑन इकोनॉमिक, तो आप उसको रेफर कर सकते हो. यस, इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स करवा दो, ये है, ठीक है. मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप रिटन समझा नहीं, प्लीज रिटन फॉर मॉडर्न हिस्ट्री. आई डिडंट गेट द क्वेश्चन श्रुति. इमरान, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इनकी पीडीएफ्स अवेलेबल नहीं होंगी राइट, बट यू कैन जॉइन इन माय टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको कुछ कुछ पीडीएफ्स मिल सकती हैं अनअकैडमी से रिलेटेड, वहाँ पे मैं आपकी पूरी हेल्प करता हूँ. एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स कर दो सर. सी देखिए, मृणाल सर पढ़ा रहे हैं, मृणाल सर इज टीचिंग, देन आयुष सांघी सर इज ऑल्सो टीचिंग ऑन अनअकैडमी प्लस, सो उनके कोर्सेज हैं. विच क्वेश्चन सॉल्व, देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो आपके पास बहुत सारे, यू हैव अनअकैडमी की एक टेस्ट सीरीज है, देन विजन टेस्ट सीरीज है, इनसाइट्स टेस्ट सीरीज है. These are pretty good test series. इनको आप बिल्कुल refer कर सकते हो, and they'll provide you very good insight into the different kind of questions which can come. Rajesh, I have a channel, but I have not you know, used it as such. I have not uploaded questions there. I majorly focus on Unacademy Plus itself and the free platform of Unacademy. History and economics के important questions. अभी तो आपको कैसे ऐसे बता सकता हूँ, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट इफ आई कैन कम अप विद अ कोर्स ऑन दैट. ठीक है ना, पोगो बाबू, बेसिकली जो मैं करंट अफेयर्स पढ़ाने वाला हूँ ऑन अनअकैडमी प्लस इन इस मंथ में, दैट इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन करंट अफेयर्स. मैं पहले बता दे रहा हूँ, इट्स अ लाइव क्विज बेस्ड करंट अफेयर्स ऑफ वन ईयर, जिसमें है ठीक है, जिसमें बेसिकली आई विल ट्राई, आई विल बी आस्किंग क्वेश्चंस एंड विल बी, इट विल बी अ फाइनल टच फॉर द पीपल अटेम्प्टिंग 2019 प्रीलिम्स. 2 जून को जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए फाइनल टच का कोर्स है वो. ठीक है ना, आदित्य, मेरे चैनल का नाम वेंकटेश चतुर्वेदी है, बट आई एम नॉट मेड एनी मच लेसन, कुछ वहां पे मैंने बनाया नहीं है सच. और क्या क्वेश्चंस हैं, हमें आपसे पढ़ना है. अच्छा, ओके, ऑलराइट. सो आई हैव
इकोनॉमी का मेरा एक कोर्स फ्री प्लेटफॉर्म पे चल रहा है अनअकैडमी का, जिसपे आई टीच इकोनॉमी ऑन डिमांड। बेसिकली उसका नाम यही है, इकोनॉमी ऑन डिमांड कोर्स, जिसमें क्या करता हूँ, आप लोग कमेंट्स डालते हो कि भैया ये पढ़ा दो प्लीज, से बोल दिया अच्छा बैंकिंग में ये पढ़ा दो, रेपो रेट पढ़ा दो, सो आई देन सब्सिक्वेंटली मेक लेसन्स ऑफ द थिंग्स अंडर टॉपिक्स यू डिमांड फ्रॉम। सो आई थिंक दैट विल हेल्प, आई ऑलरेडी अपलोडेड 10-15 लेसन्स देयर, आप लोग चाहोगे तो आई अपलोड मोर देयर, तो आप यू नो उसमें कर सकते हो। गुड, बढ़िया, बिल्कुल पोगो, आप प्लीज यूज माई रेफरल कोड फॉर अनअकैडमी प्लस यू नो एनरोल करने के लिए, सिंपली माई नेम वेंकटेश चतुर्वेदी, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा एंड ऑल दी एजुकेटर्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे यहाँ पे। शशांक, थैंक यू सो मच, श्रुति थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। श्रुति, सो बेसिकली यस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, अगर आपको मेरी लाइव क्लासेस अटेंड करनी है सो आप सिंपली जाइए, आप सिंपली जाइए टू द वेबसाइट unacademy.com/plus, ठीक है, वहां पे आपको एक मंथ का या 3 मंथ का या 6 मंथ का या 12 मंथ का, जो जितने ड्यूरेशन की आपको क्लासेस लेनी हो आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं वहां पे, राइट, सब्सक्रिप्शन फी पे करके। 1 मंथ का 7K सब्सक्रिप्शन है, 3 मंथ्स का अराउंड 17K है आई थिंक सब्सक्रिप्शन, 12 मंथ्स का 35K सब्सक्रिप्शन है, राइट, और इन सब पे आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करें, मेरा नाम वेंकटेश चतुर्वेदी। इससे आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे मैं पढ़ाऊँ, चाहे मृणाल सर पढ़ाएं, चाहे जतिन वर्मा पढ़ाएं, चाहे यू नो आपके श्रेया शर्मा पढ़ाएं, सारे कोर्सेज मिलेंगे। एंड शशांक, सी देयर इज नो अपर लिमिट तो कुछ नहीं होती, बट यस एटलीस्ट अगर आप 40-50 टेस्ट दे रहे हो बिफोर द प्रीलिम्स, दैट इज अ गुड नंबर, दो यू नो आइडियली अगर आप चाहो तो 60-70 भी कर सकते हो, बट यस 40-50 इज अ वेरी गुड नंबर। अच्छा ओके, आपका सवाल है कितने क्वेश्चन से प्रीलिम्स पास होगी, सी दैट इज वेरी सब्जेक्टिव, बट यू हैव टू फिगर आउट कि आपकी ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी है, कि आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो बेटर होता है, कि कम करते हो कि बेटर होता है, बट आइडियली इफ समवन अटेम्प्ट्स 85 टू यू नो 90 क्वेश्चंस एंड से गेट 65 टू 70 करेक्ट, दिस इज यू नो ऑन एन एवरेज दिस वर्क्स फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। समझ रहा हूं शशांक, आई अंडरस्टैंड, सो बेसिकली क्या है ना, ट्राई योर लेवल बेस्ट, ट्राई टू एक्सपेरिमेंट, सॉल्व मोर क्वेश्चंस एंड सॉल्व लेस क्वेश्चंस इन डिफरेंट टेस्ट्स एंड ट्राई टू फिगर आउट योर एक्यूरेसी परसेंटेज एंड देन ट्राई टू फिगर आउट कि भैया कौन सा बेनिफिशियल है आपके लिए। क्या पता आपके कुछ तुक्के ज्यादा अच्छे लगते हो तो आप ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, क्या पता यू आर मेकिंग टू मेनी मिस्टेक्स बाय पुटिंग टू मेनी तुक्कास, सो देन अटेम्प्ट लेस क्वेश्चन, सो दैट यू हैव टू यू नो एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज जो आप दे रहे हो। इकोनॉमिक्स के लिए पंकज, द बेसिक बुक्स एक एनसीईआरटी है, देन देयर इज श्रीराम आईएएस के नोट्स आर प्रीटी गुड एंड यू नो संजीव वर्मा इज आल्सो प्रीटी गुड बुक। दिवाकर, विनीत, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाला सीरीज है दैट इज व्हाट आई एम गोना डू इन अनअकैडमी प्लस, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट प्लीज जॉइन अनअकैडमी प्लस, वहां पे 15 सेशन होंगे 2 मई से, इन विच विल बी हैविंग जस्ट लाइव क्विज सेशंस, सवाल पूछूंगा आप लोग आंसर दोगे, देन आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट पर्टिकुलर इशू और टॉपिक और स्कीम जो भी हम डिस्कस करेंगे। यूपीएससी 2020 करंट अफेयर्स, पोगो बाबू, सी करंट अफेयर्स का कोई अश्योरिटी है नहीं, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन यू नो अनअकैडमी कि वो करंट अफेयर्स किससे करवाएं, बिकॉज रोमन सर ही अभी यू नो एज ऑफ नाउ रोमन सैनी सर कराते हैं करंट अफेयर्स, मुदित कराते हैं करंट अफेयर्स एंड मैंने ही कराया करंट अफेयर्स, तो लार्जली वी थ्री हैव बीन डूइंग करंट अफेयर्स, तो कोई भी कर सकता है उनमें से, मे बी टू ऑफ देम विल डू, मे बी यू नो आई विल डू, मे बी मुदित विल डू, सो इट देयर इज नो फिक्स्ड अभी यू नो अबाउट हु विल टेक करंट अफेयर्स, बट डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी गुड एजुकेटर्स विल टेक इट। क्लास एनसीईआरटी आपका, देखिए ये सब सब्जेक्ट्स के लिए तो आप 11th-12th कर लो, ठीक है, 11th-12th ही मेनली चाहिए होता है एसएससी। श्रुति, आई एम रियली सॉरी, मैंने एसएससी का आई हैव नो क्लू अबाउट सिलेबस एंड एनीथिंग, सो आई वोंट बी द बेस्ट पर्सन टू हेल्प यू आउट देयर। सो एज ऑफ नाउ जो मेरे अनअकैडमी प्लस पे कोर्सेज शेड्यूल्ड हैं, एक है आपका 2019 का करंट अफेयर्स लाइव क्विज, ठीक है, दूसरा है द नेक्स्ट बैच ऑफ 1000 मोस्ट important topics for 2020 prelims static portion, ठीक है, static portion है
which will be running from June onwards. Okay, and then iske alawa ek answer writing course hai, answer writing practice course, also starting from June. So these are the courses which I am going to launch in the near future in on Unacademy. Aditya, see, average bata sakta hu, maybe 10 to 12 hours. 14-15 ghante se counter productive ho jata hai usse, aur 10 ghante se kam to kam hi ho gaya. So it's 10 to 12 hours is the ideal time, but you need to be very focused, you know, us time mein. Sure, Shruti, agar if I take the course on current affairs, definitely I'll teach it very well. So this is there. Any other queries or quick questions then before we end the class, end the session? Shruti, no, I don't teach SSC syllabus, I just teach UPSC GS syllabus. So I study GSE, that is my area of expertise. Kya pass karna hai? Film, screen, movies and songs. Aapko kaun sa exam pass karna hai? Bilkul Pogo Babu, you know, hope to see you there. नहीं अभी श्रुति दैट्स व्हाट आई एम सेइंग लास्ट क्लास है मेरा अभी फॉर सम टाइम इसके बाद मैं अभी YouTube पे क्लासेस नहीं लूंगा कुछ समय के लिए अब यू कैन जॉइन माय टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप जीएस बेसिकली जीएस इज जनरल स्टडीज थैंक यू सो मच जागृति शर्मा थैंक यू सो मच Chali, I think that is it. Thank you so much for you know all of you for being here and you know see you in some of hopefully hope to see you some of you on Unacademy Plus platform and we'll have a good good sessions there.